What's up guys, welcome back to a brand new episode of Bonsai Hunter. In this episode I am going to show you how to create banyan bonsai by fusion. इसके अंदर तीन प्लांट्स को हमने फ्यूज़ किया है। ये जो हमारा ट्रंक है ये बिल्कुल फ्यूज़ हो चुका है यहाँ से, और एरियल रूट्स का डेवलपमेंट भी इसके ऊपर हो रहा है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हमने इन तीन प्लांट्स को फ्यूज़ करके एक बनियान बॉन्साई को बनाया है। हमारे पास में है तीन प्लांट्स। फ्यूज़न के लिए आपको जो सीडलिंग्स हैं उन्हें सेलेक्ट करना होगा, यंग प्लांट्स को सेलेक्ट करना होगा। यंग प्लांट्स को हम आसानी से शेप दे सकते हैं, तो ये यंग प्लांट्स हैं जो हमने तीन यंग प्लांट्स का सिलेक्शन किया है, और अब हम इन्हें वीव करेंगे जैसे कि एक रोप को वीव किया जाता है, और उसके बाद हम इसे वायर से शेप देंगे। प्लांट्स को गूंथने के बाद आप ऊपर से इन्हें लॉक कर दें। अब आप इसे वायरिंग से शेप दे सकते हैं, आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जैसी स्टाइल आप चाहें वैसा आप इसे शेप दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने वायरिंग से इसे शेप दिया है, अब हम इसे अच्छा खाद पानी देंगे और इसे ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। ये है अपडेट लगभग एक साल का। रूट्स को हमने वायर नेट से कवर किया है जिससे ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और एरियल रूट्स का डेवलपमेंट होगा, रूट्स का प्रोटेक्शन भी होगा। ट्रंक में वायर बाइट होने लगी है, अब हम इस वायर को लूज करेंगे या रिमूव करेंगे। Friends, today we are going to expose its roots, remove this net, and we are going to repot this in a new pot. हम कोशिश करेंगे कि इसे कुछ इंचेस ऊपर रिपोर्ट करें ताकि ये देखने में अच्छा लगे। वी आर गोइंग टू यूज दिस राउंड पॉट, दिस वुड लुक ब्यूटीफुल। दोस्तों, ये जो सॉइल का बॉल है इसे हम अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसे एज इट इज ही ग्रो करेंगे। फ्रेंड्स, हाउ इज दैट, हमने इसकी फर्स्ट रिपोर्टिंग कर दी है और अब धीरे धीरे करके हम इसे जैसे जैसे पानी पिलाएंगे ऊपर से जो रूट्स हैं उनके अंदर से मिट्टी निकलती जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 8 इंच ये एक्सपोज रूट रहेगा। Go back home, go back home, go spend there all alone.
दोस्तों समय के साथ ये जो स्कार्स हैं ये भर जाएंगे और ये जो स्कार्स बने हैं इससे जो हमारा ट्रंक है उसके अंदर एक टेक्सचर भी बन रहा है, तो देखने में ये खूबसूरत भी लग रहा है। फ्यूज़न से हमें एक बहुत ही ब्रॉड बेस मिला है, इसका टेपर बहुत ही शानदार है। जैसे जैसे एरियल रूट्स मोटी होती जाएगी इसका ग्रेस बढ़ता जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत बॉन्साई बनने वाली है भविष्य में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।